नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। कभी हम डोभी प्रखंड में है गया जिले के, और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं इंद्रदीप यादव जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 20 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इंद्रदीप जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप लोगों को, सभी को स्वागत मेरी तरफ से। सबसे पहला सवाल नल जल योजना पे हम करेंगे। नल जल योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना माना जाता है। अभी वर्तमान में आपके पंचायत में, नीमा पंचायत में क्या स्थिति है पंचायत? जी, जल नल की योजना फिलहाल जो हम लोग के इससे पहले पीएचडी को पहले जो दिया गया था, सभी वार्ड या हम लोग के संरक्षण में था, तब तक तो करीब करीब ठीक ठाक स्थिति थी। मगर अभी फिलहाल में जहाँ तहाँ जो गड़बड़ है, कहीं फट गया है, कहीं आपका पाइप मरम्मती की आवश्यकता है, कहीं टंकी फट चुका है। कई बार जय साहब को, पीएचडी जय साहब को कहा गया है, वो उन्होंने बात को सुनते हैं, बोलते हैं, तसल्ली देते हैं, मगर अभी कोई कार्य नहीं। पीएचडी की तरफ से मतलब सिर्फ तसल्ली दिया जाता है पंचायत में, वैसे गाँव जहाँ पर पानी की सख्त ज़रूरत होती है, वैसे परिस्थिति में आप कैसे लोगों को तक पानी की मुहैया करवा पाते हैं? जी, पानी की मुहैया हमने अभी इस वर्ष में जगह जगह पर पीएचडी से चापाकल मिली है, और जो पुराने 2001 से लेके उसके बीच तक के जो चापाकल पीएचडी से हुआ था, उसमें से पीएचडी के द्वारा मरम्मती चापाकल किया गया, उसे पानी मिल रहा है। क्षेत्र में जब आप निकल रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं जनता के बीच आ रही है आपको निकलने में? समस्या तो अनेकों तरह की आती है, मगर उसको पूरा करने के लिए अभी समय चाहिए, और सरकार के द्वारा से कुछ टारगेट भाई, जैसे कि हम लोग अभी 24-25 का या 22 से उसके पीछे वाले जो हम लोग योजना हम लोग दिया है, अभी तक उसका कोई राशि नहीं आई है। जैसे हम लोग 23-24 का योजना दिए या 24-25 का योजना दिए, वो उसके हिसाब से अमाउंट नहीं आया, और हम लोग अमाउंट नहीं आया तो हम लोग नाराज़ हैं, और उसे नाराज़गी महसूस कर रहे हैं ग्रामीण जनता की, भाई अभी तक कोई कार्ड नहीं हो रहा, और जो भी अमाउंट आया है टाइट से हम लोग या अनटाइट से जो भी कार्य किए हैं, जो राशि आई है। सरकारी पदाधिकारी आपका विकास में सहयोग करते हैं? जी जी जी, करते हैं। यहाँ के आपके पंचायत के जो सदस्य हो गए या फिर ये आपके टीपीएस काउंटर हो गए, ये सब आपके पंचायत में हैं? हाँ, जहाँ तक मदद करते हैं हम लोग, कुछ मनमानी काम करते हैं तो हम लोग उससे मैंने बातचीत करके हम लोग मैंने धरातल पर लाते हैं। सचिव ये लोग सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सारे लोग हम लोग सब ठीक ठाक हैं। राशन की क्या व्यवस्था है? राशन सही से मिल रहा है? फिर राशन में भी अनियमितता देखने को मिल रही है? ना ना ना, राशन नहीं मिल रही है, कहीं किसी तरह का कोई टिप्पणी नहीं है हमारे पंचायत। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना लोगों को अभी तक आवंटित हो चुका है? आवंटित राशि कुछ अभी बाकी हैं, मगर परसेंटेज के हिसाब से जोड़ा तो 98% हम लोग का कार्य, मैंने हमारे पंचायत में जो राशि मिली थी सरकार के द्वारा, सेंटर सरकार के द्वारा, वो हो चुका है, और कुछ अधूरा है, बाकी लोग पूरा करेंगे। जैसे कुछ आदमी जो पैसा उसा लेके कहीं प्लान जो कर गए हैं, वो अभी अधूरे पर हैं, जो अभी पूरा नहीं कार्य किए, उस पर ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं, समझाते बुझाते हैं कि भाई काम किया जाए, ताकि तुम्हारा एक दो मैंने एकाध किस्ती या दो किस्ती बाकी है उसे दिया जाएगा। पीएचडी में सही है या फिर पीआरडी में सही था? पीआरडी में सही था, मतलब आप लोग के मतलब जी, के अंदर जी पीआरडी में सही। क्या कहेंगे सरकार से, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ मांगे अभी से? आपके माध्यम से मैं ही कहेंगे कि जो जहाँ पर सुचारू ढंग से पीएचडी संबंधी कोर्ट कार्ड नहीं हो रही है, उसे पूरा करने का कृपा की जाए। मैं अभी आप लोग से यही अपील करूँगा, और सरकार से भी यही करेंगे कि जो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए, थे इंद्रदीप यादव जो कि नीमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि थे, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के सारी बातों को कहा, और खासकर इन्होंने कहा है कि पीआरडी में जो था उस समय हम लोग अपने तरीके से इसको देख रेख करते थे, ताकि जनता को पानी सही तरीके से मिल सके। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, गया।